हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट जब आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो जीपेट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फार्मासिस्ट, इन सब्जेक्ट्स में, इन एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहते हैं। और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, आया भी हुआ है। किसी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल कर देखिए, इस सब्जेक्ट से वहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, बहुत ही ईजी वे पर समझते हैं। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है हमारे पास टॉपिक? जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्मेसी फील्ड का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा है? द लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंटिया मीनिंग द नॉलेज ऑफ, मतलब जूरिस्प्रूडेंटिया इस लैटिन टर्म का मतलब क्या होना चाहिए? इस सब्सेंस के अंदर, इस लैटिन टर्म के अंदर किस टॉपिक का, किनका स्टडी किया जाता है? रेगुलेशन, लॉ, इथिक्स एंड प्रोफेशन। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉ। याद रखेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है? लॉ का स्टडी किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। जब जूरिस की बात करते हैं, लैटिन टर्म जूरिस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉ। और प्रूडेंटिया मतलब क्या हो रहा है? नॉलेज। इट मीन्स क्या होगा? जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज हमें, या जूरिस का हमें क्या करना? नॉलेज गेन करना, ठीक है। लॉ के बारे में हमें जब पढ़ते हैं, लॉ के बारे में, तब हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंड्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ में जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हें एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए इनमें से किन चीज़ों का हमें जरूरत पड़ता है? लेजिस्लेशन, लॉ, इथिक्स, रूल्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रेगुलेशन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर आपका सही आंसर? ऑप्शन बी, लॉ आपका सही आंसर होना चाहिए। मतलब लॉ के जरिए कभी भी किसी भी देश में किसी सोशल लाइफ को चलाने के लिए, किसी भी वर्क को, किसी भी चीज़ को सही तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए, किसी रूल रेगुलेशन को सही तरीके से रेगुलेट करवाने के लिए लॉ का होना जरूर है, ठीक है। मतलब कानून का होना वहाँ पर जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल इज नोन एज, जब हम फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स का स्टडी कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास लॉ, इथिक्स, लेजिस्लेशन और लास्ट ऑप्शन आ रहा है जूरिस्प्रूडेंस। इसके पहले ही मैंने आपको समझाया था हमें क्या करना है, लॉ का स्टडी करना है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर साथ ही साथ इनका स्टडी करते हैं, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है। जितना हमारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका स्टडी कहलाता है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। चलिए क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड को समझते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, यहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, इसका डेवलपमेंट इंडिया ने किया था, किस साल में किया था? 1945, 1940, 1943 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1948। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1943, ठीक है। याद रखेंगे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, इसे हम बोर कमिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बोर कमिटी के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इनके चेयरमैन कौन थे? सर जोसेफ बोर, ठीक है। ये इनके चेयरमैन थे, इस कारण से इन्हें बोर कमिटी के नाम से भी इस कमिटी को जाना जाता है। इसका डेवलपमेंट कब किया गया था? अक्टूबर 1943 में। इन डेट्स को आपको याद रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Who is a pioneer and father of pharmaceutical education in India? इनमें से किन साइंटिस्ट ने, इनमें से किन पर्सन ने क्या किया है फार्मेसी रेगुलेशन या फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में डेवलप करवाया है? उन्हें फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। पहले ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं प्रोफेसर टी के गजर, प्रोफेसर एम एल सराफ, आर एन चोपड़ा, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, मतलब प्रोफेसर टी के गजर एंड प्रोफेसर एम एल सराफ,
क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? प्रोफेसर महादेव लाल सराफ। याद रखना, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन का इन्होंने स्टार्ट करवाया था और सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे पीसीआई के। याद रखना इनका कंट्रीब्यूशन, याद रखना है आपको, पीसीआई के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन 1903 हु स्टार्टेड अ स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एलेम्बिक केमिकल वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1903 में पैरल जो बॉम्बे के पास में, बॉम्बे में ये स्थित है, इस एरिया में किसने सबसे पहला एक इंडस्ट्री खोला जिसे अभी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास मिस्टर बट भगत, प्रोफेसर टी के गजर, प्रोफेसर एम एल सरोफ और आचार्य पी सी रे, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी याद रखेंगे, प्रोफेसर टी के गजर, ठीक है। त्रिभुवन दास, कल्याण दास गजर, याद रखना इनका नाम। इन्होंने क्या किया था पैरल में, बॉम्बे में क्या किया था, एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया था जिसे अभी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स नाम से, एलेम्बिक केमिकल्स नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द फुल फ्लैग्ड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज फॉर्मड इन 1948, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वॉज, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, 1948 में कमिटी बनाया गया था, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी बनाया गया था और इनके चेयरमैन कौन थे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर बी एन घोष, प्रोफेसर एम एल सरोफ, डॉक्टर आर जी कर और नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पर, बी एन घोष याद रखना है, डॉक्टर बी एन घोष को क्या बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था इंडियन फार्माकोपिया कमिटी का। याद रखते जाना है इन सभी नाम को, आपको याद रखते जाना है, ठीक है। जितने कमिटीज हैं और उनके चेयरमैन हैं, इन नाम को आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमिटी इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, फार्माकोपिया कमिटी पढ़े थे, यहाँ हमारे पास इंक्वायरी कमिटी आ रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमिटी 1953 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, इनका चेयरमैन इनके कौन थे। क्या है हमारे पास ऑप्शन, लेट डॉक्टर बी एन घोष, जनरल एस एस भाटिया, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोफेसर एम एल सरोफ। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी जनरल एस एस भाटिया। याद रखना है मैंने पहले ही बताया है जितने कमिटीज हैं और उनके रिलेटेड जितने चेयरमैन हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है। बंगाल में मतलब वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जिन्होंने फार्मास्यूटिकल वर्क्स को स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास प्रोफेसर टी के गजर, ठीक है, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे इन 1808, प्रोफेसर टी के गजर इन 1903 और आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे इन 1901। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोनों सेम लग रहे होंगे बट आपको ध्यान रखना है इनके ईयर, यहाँ ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में सेम पर्सन है बट ईयर क्या डिफरेंस है, एक में 1901 है दूसरे 1903 है और सेम यहाँ पर भी आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय हैं, इनका ईयर यहाँ 1802 है और दूसरे में 1901 है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1901 याद रखना है आपको, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे इन्होंने स्टार्ट किया था 1901 में कलकत्ता में, इन्होंने क्या किया था, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स का इन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था, ठीक है, जिसे अभी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमिटी टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, ठीक है, इंपोर्ट्स, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल वाज हेडेड बाय। मतलब किसी भी ड्रग का हमें क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, उसका लाइसेंसिंग देखना है, उनका प्राइस देखना है,
ठीक है, और प्राइस के साथ साथ उनके इंपोर्ट को देखना है, इनमें से कौन सा कमिटी था जिनका ये काम था, वो ड्रग के इन सभी कैरेक्टर्स को देखा करते थे। पहला आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, देखिए सभी कमिटीज आपको याद रखना है, मुदलियर कमिटी, भाटिया कमिटी, हाथी कमिटी एंड बोर कमिटी। क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, याद रखेंगे हाथी कमिटी याद रखना है, ठीक है। इनसे हाथी कमिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके किस चेयरमैन के अंदर ये काम हुआ था, इनके इस कमिटी का चेयरमैन कौन थे, याद रखना है जय सुखलाल हाथी, ठीक है। इनका सरनेम था हाथी, इनका सरनेम था जय सुखलाल, इनका नाम है तो जय सुखलाल हाथी इनका नाम है, और ये इस कमिटी के चेयरमैनशिप के पद पर थे, इस कारण से इस कमिटी को क्या बोला जाएगा, हाथी कमिटी। इनका मेजर काम क्या रहता है, किसी भी ड्रग के क्वालिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, उनके प्राइसिंग को कंट्रोल करना, उनके लिस्ट उनका लिस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है, और साथ ही साथ उनके इम्पोर्ट को कंट्रोल करना, उनके इंपोर्ट को रेगुलेट करने का काम रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन 1935 यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच लेटर कन्वर्टेड इनटू, मतलब 1935 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाया गया था, और अभी उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्माकोपिया एसोसिएशन, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। देखिए नाम आपको रिलेटेड लग रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यहां सही आंसर आपका होना चाहिए, ना कि आपको फार्माकोपिया में जाना है, ना कि फार्मासिस्ट में जाना है, और ना ही मेडिकल एसोसिएशन में, ठीक है। याद रखेंगे 1935 में सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, और इसे अब कन्वर्ट करके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिमांडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ठीक है, इनमें से किस पर्सन ने ये डिमांड रखा लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेशन असेंबली में, इनमें से किस एजेंट, इनमें से किस पर्सन ने ऐसा डिमांड रखा कि हमें एडल्ट्रेटेड ड्रग का कंट्रोल करना चाहिए, एडल्ट्रेटेड ड्रग से हमें अपने प्रोडक्ट को बचा कर रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास लेफ्टिनेंट कर्नल एच ए जे गिडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर एन चोपड़ा, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ और डॉक्टर के सी के ई राजा, ठीक है। आपको सही आंसर क्या याद रखना है, एच ए जे गिडनी। चलिए इनका नाम पूरा देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी अल्बर्ट जॉन गिडनी, याद रखेंगे इन्होंने क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बताया था जितने भी हमारे एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं हमें उन्हें कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल करके उनका क्वालिटी कंट्रोल हमें ध्यान देना है ताकि ड्रग में एडल्ट्रेशन ना हो या मिनिमम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कमिटी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए एल मुदालियार, ठीक है, ए एल मुदालियार ये चेयरमैन रहेंगे, और इनके चेयरमैनशिप के अंडर में इंडियन गवर्नमेंट ने किस कमिटी का डेवलपमेंट किया था, हेल्थ सर्वे एंड ग्रोथ कमिटी, सेकंड ऑप्शन आ रहे हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, हेल्थ सर्वे एंड इवोल्यूशनरी कमिटी और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखना है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इनके अंदर क्या किया गया था, चेयरमैनशिप आपको याद रखना है, चेयरमैन का नाम क्या था, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ठीक है, इनके अंदर इस कमिटी का डेवलपमेंट किया गया था, इसे मुदालियार कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की बात करें तो इनमें से कौन सा इनका वर्क नहीं रहेगा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। पहला ऑप्शन आ रहा है टू प्रमोट द इंडिजिनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम,
टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, यहां इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रैक्टिस। याद रखना है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का काम कभी से ये नहीं रहता कि वो फार्मेसी प्रैक्टिस को समझाए। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस को समझाने का, उसे रेगुलेट करने का इनका काम नहीं रहता, हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करने का काम रहता है। ठीक है, और यहाँ किस तरीके का काम रहेगा, बिजनेस का काम रहता है। याद रखना है, प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी, इसे रेगुलेट, इसे प्रमोट करने का काम रहेगा, और नए रिसर्च टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट करने का इनका काम रहता है। साथ ही साथ किसी ड्रग का प्राइस कंट्रोल करने का भी इनका काम रहेगा, बट फार्मेसी प्रैक्टिस को ये रेगुलेट करवाने का काम नहीं करते। इस बात को क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CDL एंड CDRI, इनके चेयरमैन, इनके डायरेक्टर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया था। पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोफेसर M.L. सरोफ, प्रोफेसर नित्यानंद, डॉक्टर बी मुखर्जी और प्रोफेसर G.N. घोष। ठीक है, याद रखना है आपको क्या हो रहे हैं, सर बी मुखर्जी यहाँ सही आंसर हो रहा है। ठीक है, इन्हें क्या किया गया था, इन्हें CDRI और CDL, इनका इन्हें चेयरमैनशिप, इन्हें एज इनका डायरेक्टर इन्हें अपॉइंट किया गया था 1927 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू एंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर इट्स। ठीक है, मतलब जब हम किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो उसके पहले हमें उसके क्वालिटी को टेस्ट करना है और उन्हें इवेल्युएट करना है, और ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसे करने का मेन मोटो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन समझते हैं, सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंसी, ठीक है, सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी एंड इकोनॉमी, सेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमी। मतलब किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करना, किसी भी ड्रग का क्वालिटी हमें मेजर करना क्यों जरूरत पड़ रहा है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो बहुत ही इजी है, किसी भी ड्रग के सेफ्टी और उनके एफिकेसी, उनके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन 1927 हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमिटी आ रहा है, इनमें से कौन ड्रग इंक्वायरी कमिटी के चेयरमैनशिप है, चेयरमैन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है R.N. चोपड़ा, जोसेफ बोर, सर S.S. भाटिया और बी मुखर्जी। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पर, याद रखेंगे, डॉक्टर R.N. चोपड़ा। ठीक है, इसे चोपड़ा कमिटी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने कमिटीज हैं इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर R.N. चोपड़ा, इन्हें क्या किया गया था, ड्रग इंक्वायरी कमिटी का चेयरमैन बनाया गया था, इसे हम दूसरे चोपड़ा कमिटी के नाम से भी जानते हैं इस कमिटी को। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 1927 में, याद रखेंगे, ईयर्स आपको याद रखना है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडर द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी रिवाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडी इज नॉट फॉर। ठीक है, रिवाइज्ड कोर्स जो मिल रहा था वो इनमें से किस फील्ड के स्टडी के लिए नहीं था। ठीक है, आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना है। पहला आ रहा है लाइसेंसिएट फार्मासिस्ट, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस रहेगा, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, और लास्ट आ रहा है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, जब भी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी की बात करते हैं तो ये कभी भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इनका स्टडी नहीं करवाते हैं, लाइसेंसिएट फार्मासिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब फार्मासिस्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट इनका स्टडी करवाते हैं, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट इनका स्टडी करवाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखना इन सभी पॉइंट्स को आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
who opened the first chemical shop in India with East India Company in Calcutta. ठीक है, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर क्या किया था, कलकत्ता में सबसे पहला केमिस्ट शॉप इन्होंने खोला था। पहला ऑप्शन है हमारे पास मिस्टर बथगेट, और सेकंड ऑप्शन है प्रोफेसर टी के गजर, ऑप्शन सी है प्रोफेसर एम एल सराफ, और ऑप्शन डी आ रहे हैं आचार्य पी सी रॉय यानी प्रफुल्लानंद रॉय। क्या रहे यहां पर सही आंसर, याद रखेंगे मिस्टर बथगेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहला केमिस्ट शॉप कलकत्ता में खोला था। ठीक है, वहीं जब हम इनकी बात करते हैं, बंगाल केमिस्ट की बात करते हैं, देखिए आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा रे, इन्होंने क्या किया था, बंगाल में सबसे पहले केमिस्ट शॉप इन्होंने, केमिस्ट इंडस्ट्री इन्होंने ओपन किया था। ठीक है, वहीं अगर टीके गजर की बात करते हैं, इन्होंने पैरल में खोला था, याद रखेंगे, जिसे अभी हम एलेम्बिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, इन सभी ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में ओपन किया था इंडस्ट्री, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज डेवलप्ड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इथिक्स की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लास्ट ऑप्शन है बी एंड सी, मतलब स्टेट काउंसिल एंड मेडिकल काउंसिल दोनों मिलकर डेवलप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स आ रहा है, ठीक है, और फार्मेसी के बारे में अगर फार्मेसी की बात करें तो इस इंडिया में फार्मेसी बॉडी को रेगुलेट करवाने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, अगर कहीं भी किसी भी तरीके का फार्मास्यूटिकल इथिक्स बन रहा है, लॉ बन रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फार्मेसी के फील्ड में बन रहे हैं, तो मेजर काम किनका रहता है, पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका काम रहता है उसे रेगुलेट करवाना, नए लॉस नए इथिक्स को जनरेट करने का इनका काम रहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन नॉट डू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, अगर हम कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स की बात करते हैं, इस नियम के हिसाब से चलते हैं, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इनमें से कौन से काम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहा है मतलब कर सकता है, यहाँ पर कैन नॉट भी है, मतलब हमें एक्सेप्शनल केस खोजना है, और एक्सेप्ट मतलब वहां पे एक हिसाब से सही हो रहा है जिस काम को वो कर सकते हैं। ठीक है, पहला है डिस्पेंस ड्रग, मतलब डिस्पेंस नहीं कर सकते ड्रग। सेकेंड, प्रेस्क्राइब रेमेडीज इन एमरजेंसी, ठीक है, प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इन एमरजेंसी, मेडिसिन प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर सही आंसर, याद रखना है, दे रेंडर फर्स्ट एड इन एमरजेंसी। ठीक है, डिस्पेंस नहीं कर सकते, याद रखेंगे, अगर हम कोड ऑफ इथिक्स की बात करें, कोड पर अगर चलते हैं, नियमानुसार अगर हम चलते हैं, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कभी भी ड्रग डिस्पेंस नहीं कर सकता, कभी भी वो रेमेडीज प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, कभी भी वो मेडिसिन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट वो फर्स्ट एड दे सकता है, इमरजेंसी केस में वो फर्स्ट एड दे सकता है। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इथिक्स, इथिक्स की बात करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन ऑफ स्टेट और नेशन। ठीक है, समझिएगा, रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन एंड सेट अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। ठीक है, एक एक वर्ड समझिएगा, सेलिंग मिसब्रांडेड और एडल्टेटेड ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय इथिक्स, और लास्ट ऑप्शन आ रहा है, इफ रूल्स आर ब्रेकन द वायलेटर मे बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल कंडक्ट करवाना है, दूसरा आ रहा है, हम किसी रूल के द्वारा एक ऐसा रूल बनाएंगे जिसके द्वारा हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, किसी भी नियम का, किसी भी कानून का हम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या करना है, किसी भी मिसब्रांडेड या एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को, इनके सेलिंग को हमें क्या करना है, रोकना है। और लास्ट में आ रहा है, अगर किसी भी तरीके का कोई रूल ब्रेक करता है तो उसे पनिशमेंट देने का काम रहेगा इथिक्स का।
ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास सही होगा। मतलब इथिक्स का मेन काम क्या रहता है कि इस जिस कंट्री में किसी भी तरीके का रेगुलेशन, किसी भी तरीके का रूल अगर वहां पर लाना है तो उस रूल को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करवाने का काम रहेगा इथिक्स का, वहाँ एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और अच्छे तरीके से जो उनके सोशल लाइफ चल रहे हैं वो सही तरीके से रेगुलेट होते जाएं, उन्हें रेगुलेशन करवाने का काम रहेगा इथिक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ इथिक्स रिलेटेड टू, ठीक है क्वेश्चन समझिएगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ये किस प्रोफेशन से, किस फील्ड से मिलता हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ओन प्रोफेशन। समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, फेयर ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सही आंसर, ट्रेड याद रखेंगे, ठीक है, फार्मासिस्ट का रिलेशन उनके ट्रेड के साथ, उस बिजनेस के साथ इनका क्या रहेगा, जब रिलेशन की बात करते हैं तब हमारे पास फेयर ट्रेड आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जब फार्मासिस्ट का रोल देखते हैं उनके ट्रेड के साथ तो कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब किसी ड्रग का प्राइस वो स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, ठीक है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस काम करेंगे, परचेज ऑफ ड्रग का काम करते हैं, हॉकिंग ऑफ द ड्रग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ द ड्रग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विथ अ फिजिशियन इज टर्म्ड एज, ठीक है, इस कंडीशन को किस टर्म से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, किसी भी फार्मासिस्ट को सीक्रेटली किसी अरेंजमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होना है और साथ ही साथ उसे सीक्रेटली किसी फिजिशियन के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है, इससे किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, माल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेशन एंड हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कमीशन, ठीक है, क्या हो रहा है सही आंसर याद रखेंगे, क्लैंडेस्टाइन याद रखेंगे, क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हमें किसी भी, जो भी हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो इंडिविजुअली किसी फिजिशियन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके वहां अपना वो प्रॉफिट लेने के लिए उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वहां से काम नहीं कर सकते, किसी सीक्रेट अरेंजमेंट या किसी सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मासिस्ट इज नॉट रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, इनमें से कौन सा फार्मेसी फार्मासिस्ट के प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेशनल विलिजेंस, लैब अबीडिंग सिटीजन, डिकोरम एंड प्रॉपर्टी एंड लास्ट ऑप्शन है लियाइसन विथ सिटीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पर, लियाइसन विथ सिटीजन याद रखना है, जब हम उनके फार्मासिस्ट का रिलेशन उनके प्रोफेशन के साथ देखते हैं, प्रोफेशनल हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रोफेशनल विलिजेंस आ रहे हैं, लॉ अबीडिंग सिटीजन आ रहे हैं, डॉक्यूरम एंड प्रॉपर्टी आ रहा है, रिलेशनशिप विथ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल एक्टिविटी रहेंगे वो इस सेक्शन में आएंगे, और जब हम मेडिकल टर्म की बात करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, मतलब जो इनके प्रोफेशनल एक्टिविटी यहाँ हो रहे हैं वो मेडिकल टर्म में यहाँ नहीं होंगे, उन पर लिमिट लग जाएगा। फिर आ रहे हैं लियाइसन विथ सिटीजन, मतलब सिटीजन जो हमारे पेशेंट रहेंगे उनके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आ रहे हैं क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, ये सब कहाँ इन्वॉल्व रहेंगे, मेडिकल प्रोफेशन, जब किसी फार्मासिस्ट का रिलेशन हम मेडिकल प्रोफेशन के साथ देखते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्लियर करना है, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझते जाना है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद रखना है, जो मैंने बताया आपको कमिटीज आपको याद रखना है, उनके चेयरमैन याद रखना है, ठीक है, और उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।